एक मां अपने दो माँ के बच्चे को लेके हमारे पास आती है वो पहले दो तीन डॉक्टर को भी दिखा चुकी है बट उसके बच्चे की नाभि के ऊपर एक रेड कलर का टिश्यू बन गया है वो निकल नहीं रहा है उसके अंदर खून आता है पानी आता है और इन्फेक्शन भी एक दो बार हो चुका है मदर बहुत परेशान है कि के डॉक्टर कैसे भी करके प्लीज मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए तो क्या है ये टिश्यू क्यों होता है इसको कैसे ठीक किया जाए और पांच दिन के अंदर ये कैसे ठीक हो गए इस सभी के बारे में हम बात करेंगे जी हाँ दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनोहर गोस्वामी और आपका बच्चों का डॉक्टर एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए मित्रों इस चैनल से होने वाली कमाई को हम यूज कर रहे हैं हमारी हॉस्पिटल के पेशेंट के गरीब दर्दियों के ट्रीटमेंट के लिए तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब शुरू करते हैं हैं आज का वीडियो वीडियो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे ये जो बच्चा है दो महीने का है और उसकी नाभि के ऊपर इस तरह का का रेड कलर टिश्यू बन गया है इसको हम हमारी भाषा में अम्बिलिकल ग्रेन्युलोमा बोलते हैं पर ये होता क्यों है बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जब बच्चा बॉर्न होता है जन्म लेता है तो उसकी जो नाभी होती है वो मम्मी के साथ एक अम्बिलिकल कोड के साथ अटैच होती है जैसे बच्चा जन्म लेता है उस कोड को हम काट देते हैं जो स्टंप बचा हुआ है अम्बिलिकल कोड का वो धीरे धीरे पांच दिन से लेके पंद्रह या बीस दिन के अंदर मैक्सिमम वो निकल जाती है फिर वो नाभी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है बट कुछ प्रतिशत बच्चों में ये नाभी पूरी तरीके से सूखती नहीं है उसके पीछे एक हल्का सा रेड कलर का या व्हाइट कलर का टिश्यू बच जाता है जिसमें फिर बार बार इन्फेक्शन लगता है कई बार उसमें से पानी आता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है इस कंडीशन में इस बच्चे को एक बार इन्फेक्शन भी लग चुका है बार बार पानी आ रहा है और उसमें बार बार ब्लीडिंग भी हो रही है जब मदर ने दूसरे पीडियाटिशन को भी दिखाया तो उसकी ट्रीटमेंट भी हुई मगर फिर भी ठीक नहीं हुआ है तो हमने फिर इसकी ट्रीटमेंट की और पांच दिन में ये ठीक हो गया तो क्या ट्रीटमेंट की उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो अम्बिलिकल ग्रेन्यूलोमा होता है उसको ठीक करने के लिए मुख्यत्व चार ट्रीटमेंट अवेलेबल है सबसे पहली और कॉमन ट्रीटमेंट होती है कॉमन सोल्ट एप्लीकेशन यानी कि नमक वाले पानी को लगाना दूसरी ट्रीटमेंट होती है सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेशन ये एक तरह का केमिकल होता है इसको भी लगा सकते हैं इससे ये ठीक हो सकता है तीसरी टेक्निक होती है क्वाटराइजेशन इलेक्ट्रिक क्वाटराइजेशन इससे वो टिश्यू को जला देते हैं और चौथी और आखिरी टेक्निक होती है वो जो अम्बिलिकल ग्रेन्युलोमा बन गया है, उसको टाइट नॉट करके उसकी ब्लड सप्लाई आप रोक दीजिए और वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा और उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये बेसिकली चार मेथड होती है इसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहली मेथड की हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक वाले पानी को यूज करना अरे इतने छोटे बच्चे को अगर हम नमक वाला पानी लगाए तो उसको जलन नहीं होगी कितना रोएगा जी आ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ये जो ग्रेन्यूलर टिश्यू होता है उसमें नव एंडिंग नहीं होती है तो अगर आप उसमें नमक डालेंगे नमक वाला पानी डालेंगे उससे बच्चे को बिल्कुल पेन नहीं होगा जलन नहीं होगी हाँ मगर ये ध्यान रखिए कि इसके अलावा आपको उस ग्रेन्युलर टिश्यू के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है कई मदर अप्लाई करती है जैसे घी हो गया कुमकुम -कुम हो गया चंदन हो गया बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज करती है उसको ठीक करने के लिए आसपास की मौसी उसको सलाह देती है उसकी सलाह मत मानिएगा उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो कॉमन सॉल्ट किस तरह से यूज करना है आपको एक चम्मच पानी लेना है एक चम्मच नमक लेना है वो जो नमक वाला पानी बनता है उसको चार से पांच बूंदे दिन में तीन से चार बार अम्बिलिकस के ऊपर नाबे के ऊपर डालनी है जब तक सूख नहीं जाता है और ये शायद चार से पांच दिन में नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चों में ठीक हो जाता है बट कुछ प्रतिशत बच्चों में कई बार ये जो ग्रेन्यूलर टिश्यू होता है बहुत बहुत बड़ा होता है वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है तो कई बार इससे भी ठीक नहीं होता है दूसरी मेथड होती है सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करना ये कॉमनली इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये मेथड बहुत ज्यादा डॉक्टर यूज नहीं करते हैं तीसरी मेथड है क्वार्ट्राइजेशन इलेक्ट्रिक क्वार्टराइजेशन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा क्योंकि जो सर्जन डॉक्टर होते हैं वो अपने ऑपरेशन के लिए ये इलेक्ट्रिक क्वार्टराइजेशन मशीन का यूज करते हैं इससे इसका जो टिश्यू होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट से इसको जला देते वैसे तो पेनलेस प्रोसीजर है बट ये इजिली अवेलेबल नहीं उसके लिए आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा चौथी जो मेथड है उसमें हम जो ग्रेन्युलर टिश्यू है उसके नीचे अगर हम एक टाइट सूचर लगा दे और टाइट नॉट लगा दे तो क्या होगा कि नीचे जो ब्लड सप्लाई है वो ग्रेन्युलर टिश्यू को नरिशमेंट करती है ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम रोक देंगे तो क्या होगा धीरे धीरे ऊपर का जो टिश्यू है वो नाइक्रोसिस हो जाएगा उसके ऊपर हम कॉमन सॉल्ट भी अप्लाई करेंगे और तीन, चार या पांच दिन में मैक्सिमम वो अपने आप ही निकल जाएगा और सूचुर भी अपने आप निकल जाएगा तो ये चौथी मेथड है तो जैसे का आप इस वीडियो में देख रहे हैं हमने बच्चे के आसपास की जोबेलिकल का एरिया है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया फिर एक सूचर मटेरियल लिया उसको नोट लगा के ग्रेन्यूलर टिश्यू उसके नीचे अच्छी तरीके से टाइट कर दिया ताकि वो ब्लड सप्लाई नीचे से ऊपर ना आए फिर उसको कट करके ड्रेसिंग करके छोड़ दिया और मदर को बोला कि आप सुबह शाम नमक वाला पानी इसके ऊपर अप्लाई करना है और तीन या चार दिन के बाद मुझे वापस दिखाना है ये जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल पेनलेस है जैसे आप देख रहे बच्चा कैसे हंस रहा है सो रहा है खेल रहा है उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसके ऊपर क्या हो रहा है कितना आसान। अगर आपके बच्चे को भी इस तरह का ग्रेनुलोमा है, तो प्लीज अपने की है और ये आसानी से ठीक हो सकता है तो कमेंट आपके लिए प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो जाते जाते उस सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए तब तक हेल्दी रहे खुश रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार